नमस्कार, गौरव गाथा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दक्षिण की रानी लक्ष्मीबाई की। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि रानी लक्ष्मीबाई को पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, लेकिन लक्ष्मीबाई जिनको हम जानते हैं उनका जन्म उत्तर भारत में हुआ था, लेकिन उनसे कई साल पहले एक बहुत बहादुर महिला दक्षिण भारत में हुई थी जिनका नाम था रानी वेलु नाचियार। रानी वेलु नाचियार का जन्म 3 जनवरी 1717 में रामनाथमपुरम में राजा मनार सेलामुथु सेतुपति के यहां हुआ था। ये राजा की अकेली पुत्री थी, इनका कोई और भाई बहन नहीं हुआ था। राजा ने भी इनको, राजा सेतुपति ने इनको जैसे अपने गद्दी के सक्सेसर के रूप में, कि अब उनके बाद वही राज्य चलाएंगे, इनको वो सारी शिक्षाएं दी जो किसी भी राजकुमार को मिलती। इनको घुड़सवारी, मार्शल आर्ट्स, तीरंदाजी, तलवारबाजी, ये सारी चीजों में पारंगत कराया। और केवल युद्ध कौशल नहीं, इनके ज्ञान के ऊपर भी बहुत काम किया गया। और तमिल के अलावा जो इनकी मातृभाषा थी, इनको उर्दू, अंग्रेजी और फ्रेंच भाषाएं भी पूरी तरह से सिखाई गई, जो जिसमें ये पारंगत हो गई। 16 वर्ष की आयु में रानी वेलु नाचियार का विवाह शिवगंगा के राजा मनार मुथवा दुगंथुर के साथ हो गया। उनसे एक उनकी कन्या हुई जिसका नाम वेलची था, और इस दंपत्ति के भी केवल एक कन्या हुई। 1772 में जो आरकोट का नवाब थे वो अंग्रेजों के साथ मिल गए, और उस समय अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से देश में शासन स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। उन लोगों ने मिलकर शिवगंगा पर आक्रमण किया। इस युद्ध में, जिस युद्ध को कोल का युद्ध कहा जाता है, मुथवा दुगंथुर जो राजा थे वो वीरगति को प्राप्त हुए, और शिवगंगा पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। लेकिन रानी, जब ये सब युद्ध चल रहा था और जब राजा वीरगति को प्राप्त हो गए, तो रानी अपनी बेटी वेलची को लेके वहां से निकल गई। फिर उन्होंने शरण ली दिंदुगल में। वहां पे उन्होंने अपने साथियों को फिर से इकट्ठा किया, हैदर अली की मदद ली, गोपाला नायकर की मदद ली, और इन लोगों की मदद से उन्होंने धीरे धीरे एक अपनी सेना बनानी शुरू की। इस सेना की एक सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वहां पे एक महिलाओं की अलग से एक उसमें रेजिमेंट बनाई गई, और उसकी जो सेना नायिका, उसकी जो उस महिलाओं के रेजिमेंट की जो बागडोर सौंपी गई, उस महिला का नाम कुली था। ये सारे लोग युद्ध में पारंगत हुए, और रानी अपनी इस सेना को मोटिवेट कर रही थी, तैयार कर रही थी शिवगंगा वापस लेने के लिए। अच्छा, इस बीच क्या हुआ कि अंग्रेजों का जो एडवांटेज होती थी वो उनका तोपखाना था। अब तोपखाना जब तक अंग्रेजों के पास था, क्योंकि दूर से वार कर सकते थे, तब तक ये कोई भी सेना जो हम लोग के पास थी वो इफेक्टिव नहीं रहती। अंग्रेजों को भी पता था कि ये तोपखाना ही उनके निशाने पे है, तो इन्होंने इस तरह के जो हथियार और तोप गोले और ये सब जो थे वो मंदिर में ले जाके छुपा दिए, शिवगंगा में छुपा दिए, मतलब मंदिर में रख दिए, और मंदिर की हरदम चौकीदारी होती रहती थी, तो ये पता था कि मंदिर में भाई अगर पुरुष आएगा तो तुरंत पता लग जाएगा। महिलाओं के आने जाने पर उतनी ज्यादा रोक टोक या उतना पहरा नहीं हो सकता था, उतनी चेकिंग नहीं हो सकती थी। तो एक योजना ये बनाई गई कि कुली जो इनकी सेनापति थी, उन्होंने कुछ महिलाओं को इकट्ठा किया। वो महिलाएं इस वेश में कि वो भगवान की पूजा करने जा रही हैं, वो उस मंदिर के अंदर घुसी। मंदिर में अंदर घुस के उन्होंने अपने ऊपर घी और जो ज्वलनशील जो भी पदार्थ था वो अपने ऊपर डाल लिया, और उन लोगों ने वहां पे रखे हुए जो हथियार थे, जो उस समय थे, उसमें धावा बोल दिया, और वहां पे जाके इन लोगों ने अपने ऊपर आग लगा ली, और वहां पे वो पूरा अंग्रेजों का
जो भी जखीरा था वो पूरा नष्ट हो गया। अंग्रेज बिल्कुल हतप्रभ थे। और इसके तुरंत बाद रानी वेलु नाचियार ने तुरंत धावा बोल दिया। अब अंग्रेज तो उनके पास जो उनकी मारक क्षमता थी, जो मारक एज थी, वो तो थी नहीं। और जैसा हुआ है कि हिंदुस्तान के इतिहास में उस समय तक पहली बार अंग्रेजों को अपनी जो जो एक तरह से उनके आधिपत्य में जो जो राज्य था शिवगंगा, उससे वापस छोड़ के भागना पड़ा और रानी वेलु नाचियार का वहां पे फिर शासन स्थापित हो गया। वेलु ये सन 1780 की बात है, अपने 8 वर्ष के बाद, सन 1772 के बाद 1780 में रानी वेलु नाचियार फिर वापस शिवगंगा की शासक की रानी हो गई। जब शासन की बागडोर इनके पास वापस आ गई तो इन्होंने उस समय एक महिलाओं की टुकड़ी उदिया लवनाई बनाई, जो उन महिलाओं का एक तरह से जो सेक्रीफाइस दिया था उनकी याद में, उनको श्रद्धांजलि स्वरूप वो टुकड़ी जब तक ये रही, वो टुकड़ी इनकी बहुत ही आक्रामक टुकड़ी थी जो केवल महिलाएं उसमें उस टुकड़ी में थी। फिर इन्होंने वहां उसको ठीक से चलाया और 1790 में अपनी लड़की वेलछी को वहां की बागडोर सौंप दी। और चूंकि इनकी अवस्था हो गई थी और ये थोड़ा बीमार रहने लगी थी, इसलिए ये वहां के डे टू डे शासन में इनका इन्वॉल्वमेंट खत्म हो गया। 25 दिसंबर 1796 में इस वीरांगना ने अपनी अंतिम सांस ली। आज भारत जब सिर उठा के कहीं पूरे विश्व में खड़ा है तो उसमें कहीं ना कहीं रानी वेलु नाचियार का भी नाम जरूर आता है। धन्यवाद।